हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप भी है महेंद्र सिंह धोनी के एक बहुत ही बड़े वाले फैन और कर रहे हैं उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार, तो हमारे इस वीडियो को एक बहुत ही बड़ा लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं इरफान पठान के बारे में, जिन्होंने हाल ही में स्पोर्ट तक में इंटरव्यू के दौरान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो बताया, उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना बिल्कुल ही ना भूले। उससे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों, इरफान पठान जो है वो भारतीय टीम के एक बहुत ही बड़े ऑलराउंडर थे और भारतीय क्रिकेट में इनका काफी बड़ा योगदान है। जैसे कि दोस्तों, हम जानते हैं कि इरफान पठान कितने बड़े प्लेयर थे, लेकिन दोस्तों हाल ही में स्पोर्ट तक में दिए इंटरव्यू में इन्होंने धोनी के बारे में एक ऐसी बात की जो कि इन जैसे बड़े प्लेयर्स के मुंह से शोभा नहीं देती। इंटरव्यू के दौरान दोस्तों, इरफान पठान से पूछा गया कि आप भारतीय टीम के तीनों बड़े कप्तानों में से किसकी कप्तानी में ज्यादा इंजॉय किया, तो दोस्तों यहां पर राहुल द्रविड़ की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि राहुल द्रविड़ जो है वो सबसे बेस्ट कप्तान है उनके हिसाब से भारतीय क्रिकेट में। और दोस्तों, उन्होंने सौरव गांगुली की भी बहुत तारीफ की, क्योंकि इरफान पठान जानते थे कि उन्होंने सौरव गांगुली की कप्तानी में ही अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बात महेंद्र सिंह धोनी पे आई, तब इरफान पठान ने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में उनको उतनी प्रायोरिटी नहीं मिली जितना कि वो डिजर्व करते थे। तो दोस्तों, इसी बात को महेंद्र सिंह धोनी के फैंस इरफान पठान को काफी सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक क्रिकेट के चाहने वाले हैं या फिर महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना बिल्कुल ही ना भूले कि क्या इरफान पठान द्वारा दिया गया यह बयान सही था या फिर ये सिर्फ एक इल्जाम था। तो दोस्तों, आप अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।